महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सरकार बनाने को लेकर गहमागहमी मची हुई और 50-50 के फॉर्मूले पर शिवसेना अड़ी हुई है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, ना कोई प्रस्ताव आएगा ना कोई जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लगाया तो अधर्म होगा, साफ चेतावनी संजय राउत की तरफ से, तो महाराष्ट्र की जनता का अपमान होगा। तो यहां पर एक बार फिर से संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है, ना प्रस्ताव आया ना प्रस्ताव जाएगा, तो 50-50 के फॉर्मूले पर लगातार शिवसेना अड़ी हुई है, ना कोई प्रस्ताव आएगा ना कोई जाएगा। तो लगातार जिस तरह से क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा है महाराष्ट्र का ये मैच, अब इसी बीच संजय राउत ने एक और बड़ा बयान यहां पर देते हुए कहा है कि ना प्रस्ताव आया है और ना जाएगा, 50-50 के फॉर्मूले पर लगातार जीत पर अड़ी हुई है शिवसेना। तो शिवसेना से कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया था, ये बात यहां पर कही गई थी बीजेपी नेता की तरफ से, लेकिन अब उस पर ना कोई प्रस्ताव आएगा ना कोई जाएगा। आएगा ना जाएगा, प्रस्ताव जो पहले से था थरल्या प्रमाण करा, जो तय हुआ है, जिस बातों पर सहमति हुई है वही आप आगे लेकर जाइए, यही प्रस्ताव है, नया प्रस्ताव उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर महाराष्ट्र पर बिना वजह राष्ट्रपति का शासन थोपने की कोई साजिश कर रहा है तो ये महाराष्ट्र की जनता का, जनादेश का सबसे बड़ा अपमान होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के साथ अन्याय होगा और ये अधर्म की जीत होगी।